दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने YouTube चैनल रसा इंटीरियर में। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक POP सीलिंग डिज़ाइन, जो कि बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ है। दोस्तों इस डिज़ाइन को आप देखिए, ऐसा डिज़ाइन शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इस डिज़ाइन की पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, पूरी जानकारी आपको इसके रिलेटेड जो है वो मिल पाएगी। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल के आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और सबसे पहले आप वीडियो जो है वो देख सकें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हम अपने होम में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के जस्ट जैसे ही आप दोस्तों अपना ऊपर की तरफ देखते हैं, जो सहन वाला एरिया है आपका, तो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो रखा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा पूरा तरीके से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बॉर्डर है, ठीक है, POP सीलिंग से हो रखा है। और जैसे ही आप मतलब होम में एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद जस्ट आपका जो गेट है, तो उसके ऊपर कुछ इस तरीके के लकड़ी का डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो बाकी ये जो बॉर्डर बना हुआ है POP का, आप देख रहे हैं वाइट कलर का, बिल्कुल प्योर वाइट यहाँ पर बॉर्डर हो रखा है। उसके आगे आप देख रहे हैं बीच में एक पट्टी खींची हुई है, जो कि MDF की यहाँ पर जाली यहाँ पर लगी हुई है। और इसको आगे जला करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, यानी लाइट ऑन करके भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से लाइट जलने के बाद में जो है वो लगती है। अब अंदर वाला एरिया आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ, क्योंकि MDF जाली दी गई है, तो वो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पूरा पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, आप देखते रहिए। दोनों तरफ जिस तरीके से यहाँ पर आपकी MDF जाली लगी हुई है, सेम वही MDF जाली दूसरी तरफ भी जो है लगी हुई है। और इसके ऊपर जो है हमने वाइट कलर की यहाँ पर पट्टी दे करके जाली के ऊपर, और उसमें जो है वो लाइट लगी हुई हैं, जो कि रात को आपके जलने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जो है वो लगती हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि POP की सीलिंग आपने बहुत सारी देखी होंगी, बहुत डिज़ाइन आपने POP के देखे होंगे, लेकिन POP के डिज़ाइन में बॉर्डर के आगे लकड़ी लगी हुई आपने बहुत कम देखी होगी, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पूरा बॉर्डर है ये लकड़ी का आगे हो रखा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसका लग रहा है। तो ये कुछ अंदर का एरिया आपका हो जाता है, जो कि जैसे मतलब एक इसको मान लीजिए आप गेस्ट रूम, आप इसको बोल सकते हैं, जो कि एक अलग पार्टीशन में है। तो ये 10x10 का एक गेस्ट रूम एरिया है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरा दिखा रहा हूँ आपको प्रॉपरली। बॉर्डर आप इसका देख सकते हैं, जो 3-3 वाट वाली यहाँ पर छोटी लाइटें लगाई हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर 6 वाट की लाइट का यूज़ नहीं किया गया है, 3-3 वाट की लाइट का यूज़ किया गया है। अब हम आगे चलते हैं और गेस्ट रूम से बिल्कुल सामने की तरफ, और जो कि हमारे आगे 2 कमरे आ जाते हैं, 2 रूम जो है वो आ जाते हैं, उनका फ्रंट वाली जो एरिया है, यानी जिसको आप बरामदा टाइप जो है वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की सीलिंग हो रखी है। इसमें भी सेम जैसे 10x10 का आपने रूम गेस्ट रूम देखा, तो उसके जैसी सीलिंग भी यहाँ पर हो रखी है, लेकिन इसको 2 पार्ट में डिवाइड जो है वो किया गया है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। और इसके भी चारों ओर जो है वो बॉर्डर, अंदर की तरफ जो बॉर्डर दिया गया है, वो POP के आगे बॉर्डर पे लकड़ी जो है वो लगाई हुई है, आप देख सकते हैं। और बीच में इसको पार्टीशन देने के लिए यहाँ पर भी लकड़ी का एक बॉक्स जो है वो लगाया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा मतलब लुक इस सीलिंग को जो है वो दे रहा है। ये 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाती है, तो ये काफ़ी अच्छा लुक जो है यहाँ पर आ जाता है। इसमें 6-6 वाट की लाइटों का यूज़ जो है वो बीच में किया गया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जला करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी फुली मैंने लाइटें जो हैं वो ऑन कर दी हैं, आप देख सकते हैं, अभी एक तरफ की लाइट ऑन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, दूसरी तरफ की भी अभी बिल्कुल मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंदर की तरफ जो कॉप लाइट दी है दोस्तों, वो वॉर्म वाइट कलर की आप यहाँ पर कॉप लाइट जो है वो दी गई है। और नीचे की तरफ वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, उसमें 3-3 वाट की लाइटें दी गई हैं, जो कि वाइट कलर की लाइटें हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड वाला जो है LED यहाँ पर जला करके दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके का पूरा डिज़ाइन जो है हमारा लगता है, पूरा लाइटिंग ऑन होने के बाद में ये सारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके का लगता है। तो क्योंकि 2 पार्ट में डिवाइड है, तो दोनों तरफ हमने जैसे 10x10 का आपने गेस्ट रूम देखा, सेम वही डिज़ाइन यहाँ पर भी किया गया है, और दोनों में कॉप लाइट जो है वॉर्म वाइट कलर की ही लगाई गई है, और दोनों के 2-2 बॉर्डर पर, ठीक है, मतलब आमने सामने। तो 6-6 वाट की जो है वो लाइटें लगी हुई हैं, जो कि बड़ी लाइटें हैं आपको, यानी जो बरामदे में आपकी ज़्यादा लाइटिंग के लिए वो लगाई गई हैं 6-6 वाट की लाइटें। बाकी शॉकिंग के लिए ये मतलब शॉपिस के लिए आपको जो है वो आप देख सकते हैं,
जो अंदर कॉप लाइट आपको दिख रही है वार्म वाइट कलर की, वो जो है वो लगाई गई हैं। बीच में ये वुडन का जो है एक बोर्ड लगाया गया है, वो आप देख सकते हैं। बॉर्डर में भी जो नीचे वाला बॉर्डर है, यानी जो पार्ट में डिवाइड कर रहा है एक गेस्ट रूम को आपके और जो आपका बरामदा है, ठीक है, तो दोनों को जो है दो पार्ट में जिसमें डिवाइड हो रहे हैं, तो दोनों में वाइट कलर की और वार्म वाइट कलर की जो है वो लाइटें यहाँ पर दी गई हैं। अब इस पूरी वीडियो में मैंने आपको पूरा डिज़ाइन जो है वो स्टेप बाय स्टेप दिखा दिया है। अगर आपका एक बड़ा एरिया, बड़ा सहन बसता है, यानी दो रूम हैं और उसके आगे, दो रूम के आगे बरामदा जो है आपका ज़्यादा बसता है, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन भी आप वहाँ पर करा सकते हैं। और दोस्तों मेरा सजेशन ये है कि देखिए पीवीसी और पीओपी दोनों बेस्ट हैं, अपनी अपनी जगह दोनों बेस्ट हैं, आपकी नज़र में जो बेस्ट है वो आप कराएं। पीवीसी का डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पीओपी में आपका वाइट सारा वाइट हो जाता है और उसमें आप जिस तरीके की लाइट देना चाहते हैं तो उस हिसाब से वो अच्छा लगता है, और पीवीसी में आपके पैनल जो है वो बहुत सारे पैनल जो है वो आ जाते हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके के चीज़ें होती हैं। तो अभी फ़िलहाल में मैंने इसमें पीओपी का डिज़ाइन आपको दिखाया है। ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर वीडियो में मुझसे कोई भी गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और कुछ भी अगर आपका कमेंट या सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर कोई हमसे गलती हुई है तो दोस्तों उसको मैं सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा, बस आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना रहना चाहिए। दोस्तों जो प्यार और सपोर्ट आपने हमारे चैनल पर दिया है, आज हमारे 27,000 प्लस सब्सक्राइबर जो है वो हो चुके हैं, तो ये सब आपकी बदौलत से है। आपने इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और जहाँ पर मुझे गलती हुई है आपने बताया है, तो मैंने आगे उसको सुधारने की जो है वो कोशिश की है और प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं क्लोजली आपको डिज़ाइन जो है वो दिखाता हूँ और हर डिज़ाइन में पूरी डिटेल आपको देता हूँ कि किस तरीके से डिज़ाइन बना हुआ है, क्या उसकी कॉस्ट आती है, ठीक है, तो मैं पूरा आपको जो है स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो मैं फिर मिलता हूँ, चलिए आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें।